पाथ फाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपको रेनबो पार्ट टू का चौथा चैप्टर आई हैव अ ड्रीम पढ़ाने जा रहा हूं। आई हैव अ ड्रीम मेरा एक सपना, आई हैव अ ड्रीम माने मेरा एक सपना है, इसी चैप्टर को हमको पढ़ना है। ध्यान देना है कि आई हैव अ ड्रीम, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि आई हैव अ ड्रीम है क्या। तो आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, याद रखेंगे यह क्या है, स्पीच है। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जिसको किसने लिखा है, जिसको लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 टू 1968, यानी इनका जन्म 1929 में होता है और इनकी मृत्यु 1968 में हो जाती है। कह रहा है कि बाप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षण से देखा जाए तो ये एक ईसाई थे। आगे कह रहा है कि बिकेम अ सिविल राइट एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर, और अपने जीवन के शुरू में ही ये क्या बन गए, तो ये सिविल राइट एक्टिविस्ट्स बन गए। लीडिंग द मोंटोगोनी बस बाइकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और जो मोंटोगोरी में वहां पर जो बाइकॉट किया गया था, बहिष्कार किया गया था, उस सम्मेलन का इन्होंने नेतृत्व किया, उसका इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया। आगे कह रहा है इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधी जी से प्रभावित होकर, यानी गांधी द्वारा प्रभावित हुए, हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस बॉट हिम वर्ल्ड वाइज अटेंशन। इनकी जो फिलॉसफी थी, दर्शन जो था नॉन वायलेंट का, सत्य माने अहिंसा का, यह इन्हें विश्व में इनके तरफ ध्यान को आकर्षित कराया। इन 1964 में किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू अ सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंस वे। किंग वाज ऐसे पहले यहां तक वे कह रहा है कि 1964 में किंग सबसे युवा व्यक्ति बन गए, क्या प्राप्त करने वाले, नोबेल प्राइज को प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने। और ये जो नोबेल प्राइज इनको मिला वो क्यों मिला, तो इनका जो प्रयास हुआ था, ये जो जातीय भेदभाव था, जिसमें जातीय भेदभाव को इन्होंने बड़े ही सत्य माने बड़े ही अहिंसक माने अहिंसक ढंग से इसको सुलझा लिया था, और इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। आगे कह रहा है किंग वाज एसिसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेप्सिस टेनेजी के मेप्सिस नामक स्थान पर इस किंग की हत्या कर दी गई। किंग की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, यानी मार्टिन लूथर किंग की हत्या
4 अप्रैल 1968 को कर दी गई। कह रहा है किंग्स इंपोर्टेंट वर्क इंक्लूड, किंग की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो शामिल हैं स्ट्रेंथ टू लव जो 1953 में आया था। आप किताब का नाम याद रखेंगे सिर्फ, आपसे स्ट्रेंथ टू लव पूछा जाएगा, कब आया था ये नहीं पूछा जाता है। बट आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है कि आप इसको याद रखते हैं। कह रहा है कि इनकी जो किताबें हैं उसमें दिया है स्ट्राइड टुवार्ड्स फ्रीडम, दूसरी किताब है द मोंगो मोनिगोमेटोरी स्टोरी, मोंटगोमेरी स्टोरी। अगला है वाई वी कांट वेट, वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, चॉस और कम्युनिटी। ये सब इनकी रचनाएं हैं। किन की रचना है तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की ये रचनाएं हैं। आपसे पूछा जाएगा, एक एक का नाम देकर पूछेगा कि हैज बीन रिटन बाई, और ऑलरेडी 4 नाम उसमें दिया रहेगा राइटरों का, उसमें आपको चूज करना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच ही डिलीवर ऑन स्टेप ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी अगस्त 28, 1963। और इन्होंने ये जो भाषण दिया है वो लिंकन मेमोरियल जो हॉल है उसमें दिया है, और दिया कब है तो अगस्त 28, 1963 को दिया है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव है। कहाँ दिया है तो याद रखेंगे कि लिंकन मेमोरियल हॉल, और दूसरा कब दिए हैं तो 28 अगस्त 1963। तो यहाँ जो बन रहा है वो 2 बन रहा है आपका ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखेंगे कहाँ हुआ कब हुआ। हेयर ही स्पीक्स, यहाँ वे बातें करते हैं अबाउट हिज ड्रीम, अपने सपने के बारे में, ऑफ सीइंग जो देखे हैं अलबामा एज अ डेवलप स्टेट, कि अलबामा जो है एक विकसित राष्ट्र हो, राज हो, उस सपने को इन्होंने जो देखा है उसके बारे में वे इस भाषण में बोलते हैं। फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक्स, और इनका सपना है कि ये जो राष्ट्र बने, ये जो अलबामा राष्ट्र बने वो कैसा बने, जातीय भेदभाव से एकदम मुक्त बने, किसमें श्वेत लोगों में और ब्लैक लोगों में कोई भेदभाव न हो, ऐसा डेवलप राष्ट्र वो चाहते हैं, ऐसा डेवलप राज चाहते हैं। द स्पीच हैड ह्यूज इम्पैक्ट इन राइजिंग पब्लिक कंसियसनेस। कह रहा है कि इनके स्पीच जो है बाबू वो बड़ा प्रभाव डाला, किसमें, लोगों के जागरूक होने पर, फॉर सिविल राइट्स, किसके लिए तो सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए, एंड इन एस्टेब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री, और इनको अमेरिकन हिस्ट्री में एक महान ओरेटर यानी वक्ता का रूप दिया गया, या इनको महान बनाया, स्थापित किया। तो ये था आपका अबाउट अथर। चलिए आगे हम लोग अब पढ़ेंगे, बहुत देखिए इसमें कितने हैं, 8 पैराग्राफ है। तो पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर वन। देखते हैं कितना है भाई, नहीं बहुत है, 17-18 तक है, लेकिन इसमें जितना सेट है उसको ही देखते हैं। पहले कह रहा है 5 years ago, यानी 1 score बराबर
20 ईयर्स, अर्न स्कोर बराबर 20 ईयर्स, तो यहां बाबू 5 यानी 100 यानी 100 वर्ष पहले, क्या कहेंगे 100 वर्ष पहले, अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन, इन हुज सिंबोलिक शैडो, जिसके चिन्हित छाया में वी स्टैंड, हम लोग खड़े होकर, शाइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। दिस मोमेंटस डिक्री केम एज अ ग्रेट बीकन लाइट ऑन होप ऑफ मिलियंस ऑफ नेग्रो स्लेव। ये जो मोमेंट डिग्री है, ये जो मैंने जो मसाल आया, किसका मसाल आया, आशाओं का जो मसाल आया, वो लाखों जो नेग्रो गुलाम थे, हु हैड बीन सियर्ड इन द फ्लेम ऑफ विदरिंग अनजस्टिस, जो अन्याय के ज्वाले में झुलस रहे थे, उनको क्या देगा, तो एक रोशनी देगा, एक प्रकाश देगा। इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक टू इन द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, या एक ऐसे सवेरे के रूप में आया जो बहुत दिनों से, जो बहुत दिनों से क्या थे, गुलाम थे, उस गुलामी को तोड़ने का, यानी ये सवेरा के रूप में आया, ये बात ये कह रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में देखते हैं। बट 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 वर्ष पहले, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, हम लोगों ने एक दुखद तथ्य को झेला, डैट की नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, कि नेग्रो अभी भी आजाद नहीं है, यानी 100 वर्षों से समझ लो कि यह मैंने दुखद घटना को झेला जा रहा है कि नेग्रो 100 वर्ष हो गए लेकिन अभी भी आजाद नहीं है। 100 ईयर्स लेटर, 100 वर्ष पहले, द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड चैन डिस्क्रिमिनेशन, यानी 100 वर्ष पहले ये जो नेग्रो लोग थे, उनका जीवन समझिए कि एक जातीय भेदभाव के जंजीरों में 100 वर्षों से जकड़ा हुआ है, 100 वर्षों से ये कहानी चल रही है। 100 ईयर्स लेटर, 100 वर्ष पहले, द नेग्रो लिव्स ऑन लोनली आइसलैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिस्ट ऑफ वास्ट ओशियन ऑफ मेटेरियल प्रोस्पेरिटी, कह रहा 100 वर्ष से, यानी 100 वर्ष पहले से, आज नेग्रो लोग उस एक सुनसान गरीब, माने एक सुनसान जगह पर रह रहे हैं, वहां रह रहे हैं जहां पर बहुत बड़ा समृद्धि की, माने क्या है, समृद्ध जो जगह है, उस जगह में भी ये अकेला एक पॉवर्टी के तरह, एक गरीबी के उस बीच, गरीबी में ये लोग, गरीबी में कोने में रहने में मजबूर हैं। आगे कह रहा कि 100 ईयर्स लेटर, 100 वर्ष पहले, द नेग्रो इज स्टिल लिंगाइजिंग इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, कह रहा है कि 100 वर्ष पहले से, कह रहा है कि नेग्रो लोग आज अमेरिका के किसी कोने में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अमेरिका के किसी माने कोने में रहे, समाज में, समाज के कोने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और वे खुद को पाते हैं अपने ही घर में, अपने ही स्थान पर, क्या पाते हैं, एग्जाइल यानी एक बनवासी के रूप में अपने आप को पाते हैं,
यानी 100 वर्ष हो गया आज भी वो गुलाम है और वो अपने ही देश में एक कैसा जीवन जी रहे हैं, तो एक वनवासी की तरह जी रहे हैं। सो वी हैव कम हियर, इसलिए हम लोगों को आना पड़ा है यहाँ टुडे आज टू ड्रामेटाइज एन अपेलिंग कंडीशन, ये अपने जो हमारी दुर्दशा है उसको दिखाने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा है। तो ये था पैराग्राफ नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। कह रहा है इट इज ओबियस टूडे, आज यह स्पष्ट है कि डेट मतलब कि अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन हिज प्रोमिसरी नोट। अमेरिका ने क्या किया है, जो अमेरिका को यानी एक नोट दिया गया है उसमें ये क्या पाया है, डिफॉल्ट पाया है। इन सो फार एज हर सिटीजन ऑफ कलर एंड कंसर्न, और ये जो उनको मिला है प्रोमिसरी नोट वो किसके संदर्भ में है, तो वो वहां के लोगों के जातीय भेदभाव के संदर्भ में है। इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेट ऑब्लिगेशन, कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग यानी सम्मान के बदौलत दिस सेक्रेट ऑब्लिगेशन, ये जो पवित्र चीज है, अमेरिका हैज गिवेन टू नेग्रो पीपुल अ बैड चेक। अमेरिका ने क्या किया है कि नेग्रो लोगों को एक गलत चेक दिया है, विच हैज कम बैक मार्क इनसफिशियंट फंड, जिसे बैंक से वापस कर दिया गया है या चिन्हित करके कि पर्याप्त धन नहीं है। थोड़ा सा इसमें फिलॉसफी डाले हैं, कहना क्या चाहते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए कोई भी देश अपने लोगों को आजादी के लिए कोई चेक नहीं देता, यानी ये क्या कहता है, ये बोलता है कि मैं आपको आजाद कर दूंगा, इसके लिए आपको एक लेटर इशू करता है। यहां क्या हुआ है कि जो लेटर इशू तो कर दिया जिस पर हस्ताक्षर भी हो गया, लेकिन आज भी ये लोग गुलाम जी रहे हैं, इसलिए यहां ये कहा जा रहा है कि चेक तो हमें दे दिया आजादी के लिए, लेकिन आज वो बैंक से क्या मार्क करके आ गया, इनसफिशियंट यानी पर्याप्त धन नहीं है, यानी आज भी हमें हक प्राप्त नहीं है, ये बात वो कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट, लेकिन हम यह मानने से इनकार करते हैं, द बैंक ऑफ जस्टिस कि न्याय का बैंक इज बैंकक्रप्ट, क्या हो गया हो, दिवालिया हो गया हो। यानी जहां न्याय मिलना है, अमेरिका में बोला जाता है कि सबको न्याय दिलाता है, और आज अमेरिका में हमें नेग्रो लोगों को आज आजादी नहीं मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इसको मानने से इनकार करते हैं कि न्याय का बैंक ही दिवालिया हो गया हो। वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट there is insufficient fund in a great vault of opportunity of the nation, और इस बात को भी मानने से इनकार करते हैं कि जिस राष्ट्र में बहुत बड़ी वॉल्ट हो किसका, अपॉर्चुनिटी की, यानी अवसरों का, जिसके पास बहुत बड़ा बैंक हो, यानी अवसर ही अवसर हो जाए, न्याय ही न्याय हो, और वहां न्याय न मिले, तो इस बात को भी हम मानने से इनकार करते हैं। आगे कह रहा है, सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, इसलिए हमें आना पड़ा है इस चेक को कैश कराने के लिए, नगद कराने के लिए, अर्थात अपने अधिकार को लेने के लिए। अ चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रीच ऑफ फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और यह चेक
हमें क्या दिलाएगा, तो न्याय की गारंटी देगा। और यह चेक हमें क्या देगा, न्याय की गारंटी देगा। आगे, वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हैलोड स्पॉट टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फियर्स अर्जेंसी नाउ। आज हम इस पवित्र जगह पर अमेरिका को ये जो संकट है उससे मैंने उस संकट को बताने के लिए आए हैं, उससे उसे रूबहू कराने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दिस इज नो टाइम टू एंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। कह रहा है ये अपने लोगों से यहां कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि देखो भाई, ये समय नहीं है कि हम विलासिता में बैठ जाए और नशे की दवा लेकर क्या हो जाए, शांत हो जाए। ये समय वैसा नहीं है। समय अभी कैसा है आगे बता रहे हैं। कह रहा है कि नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम डार्क एंड डिसोल्यूट वैल्यू टू सेग्रीगेशन टू सनलाइट पथ ऑफ रेशियल जस्टिस। आज हमारे पास समय है कि हम उस सुनसान घाटी से निकलकर न्याय की जो जातीय जो न्याय का पथ है उस पर चलने का समय है। अपने लोगों से कह रहे हैं कि आज समय है कि हम अपने मांग को लेकर कहां बढ़े, आगे बढ़ें। आगे कह रहे हैं, नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम क्विक सेंस ऑफ रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। आज हमारे पास समय है कि हम ये जो जातीय भेदभाव है ना, इसको हिला दें और किसको, भाईचारे के चट्टान से इसको हिला दें। ये समय है। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है, इट वुड बी फेटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट। कह रहा है कि समय का अवहेलना करना इस राष्ट्र के लिए फेटल यानी घातक होगा। क्या होगा, घातक होगा। यानी अगर यह राष्ट्र इस समय की बात को अभी नहीं समझता है तो यह राष्ट्र के लिए घातक होगा। एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ नेग्रो, और नेग्रो लोगों के जो डिटर्मिनेशन है, विश्वास है ना, दृढ़ निश्चय है, उसको कम करके आंकना इस राष्ट्र के लिए घातक होगा। यानी अगर अमेरिका समझता है कि जाओ इससे कुछ होगा नहीं, अगर ये लोग कितना आंदोलन करता है, तो ये समझ लीजिए कि ये राष्ट्र के लिए बड़ा घातक होगा। दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द नेग्रोज लेजिटिमेट डिसकंटेंट विल नॉट पास अंटिल देयर इज एन इनविगोरेटिंग अटम ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। कह रहा है कि ये जो पसीने से सराबोर नेग्रो लोग, तब तक मैंने ये जो मौसम है ये तब तक शांत नहीं होगी जब तक इन नेग्रो लोगों को इक्वालिटी नहीं मिल जाती, बराबर मन इक्वालिटी नहीं मिल जाती, बराबर का हक नहीं मिल जाता, तब तक ये चलता रहेगा। आगे कह रहा है,
1963 इज नॉट एंड, अंडरलाइन कर लेंगे, याद रखेंगे। कह रहा है 1963 अंत नहीं है, एन एंड बट अ बिगनिंग, बल्कि ये तो शुरुआत है। अगर आज भी आप नहीं मानते हैं तो 1963 को आप अंत नहीं मानिए, बल्कि ये शुरुआत है। दोज हु होप दैट द नेग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ एस्टीम एंड विल नाउ बी कंटेंट विल हैव अ रूड अवेकनिंग इफ द नेशन रिटर्न टू द बिजनेस एज यूजुअल। कह रहा है कि उन लोगों का जो ये लोग मानते हैं कि नेग्रो लोगों को क्या है, मैंने नेग्रो लोगों को जो हक है वो कैसा मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है ये तो जान लीजिए कि राष्ट्र यदि अपने पूर्व रवैये पर चलता रहा तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा राष्ट्र को। यानी राष्ट्र अपने पूर्व रवैये पर नहीं आया तो राष्ट्र को इसके लिए खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नेग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट, नेग्रो अपना अधिकार रखते हैं, क्या है, ग्रेटेड है, यानी नेग्रो लोग अपना अधिकार रखते हैं, नागरिकता का अधिकार रखते हैं। वो ऐसे थोड़े मांग रहे हैं, उनका अपना अधिकार है क्योंकि वो नेग्रो ही वहां के मूल निवासी हैं। द विल वाइंड्स ऑफ रिवोल्यूशन विल कंटिन्यू टू शेक द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन अंटिल द राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्ज। कह रहा है कि ये जो क्रांति का आंधी चला है ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि राष्ट्र के नींव को हिला न दे, यानी जब तक राष्ट्र को यानी वहां न्याय का सवेरा नहीं आ जाता तब तक ये उस नींव को हिलाता रहेगा। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 5 पैराग्राफ नंबर 4। चलिए पैराग्राफ नंबर 5 को देखते हैं। बट लेकिन देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपुल, अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को, बड़ा मस्त लाइन है। कह रहा है कि लेकिन मैं अपने लोगों से अवश्य कहना चाहूंगा, कह रहे हैं कि लेकिन अपने लोगों से मैं अवश्य कहना चाहूंगा हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड विच लीड्स इनटू द प्लेस ऑफ जस्टिस, जो न्याय के चौकट पर खड़े हैं, जो लोग जो मेरे अपने लोग हैं जो इस न्याय के चौकट पर खड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अवश्य कहना चाहूंगा, इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइट्स प्लेस, यानी अपना उचित स्थान पाने के क्रम में, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्ग फुल डिड्स, हमें कोई गलत कार्य नहीं करनी है। यानी अब देश में आग लगाना, देश में कहीं तोड़फोड़ करना ये नहीं करना है, हमें अपनी आजादी चाहिए और हमें आजादी शांति से लेनी है। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट ऑफ फ्रीडम, आजादी का प्यास हमें नहीं बुझानी है बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेटर्ड, यानी करवाहट और नफरत के प्याले से हमें अपने इस आजादी के प्यास को नहीं बुझानी है। ये भी लाइन अंडरलाइन कर लेंगे, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखते हैं किधर गया इधर। तो आज पैराग्राफ नंबर 5 तक पढ़ाए, 6 में कितना है, 6 में कुछ रह जाएगा, इसलिए 6 को छोड़ देते हैं क्योंकि 6 इसमें सेट होगा तब पढ़ा पाएंगे। चलिए तो ये था पैराग्राफ नंबर 5 तक जो आप अभी देखे। आपसे फिर कह रहा हूं कि आप
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और आप फिर बेल को, आइकन बेल को क्या कीजिए, दबा दीजिए ताकि आपको सारा वीडियो मिलता रहे, और खूब शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारा वीडियो यहीं से मिलता रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको सारा चीज। तो आप 12 के बच्चों से यह मैं कहूँगा कि आप इसको खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।